और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है शिवपुरी से, जहां पर एक नवविवाहिता को दहेज लोभियों ने मौत के घाट उतार दिया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं शिवपुरी से, जहां पर परिवारजनों ने, ससुराल वालों ने एक महिला को मौत के घाट उतार दिया है। दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया गया है उन पर। महिला के घर वालों ने ससुराल पक्ष पर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया है और नवविवाहिता की तबीयत बिगड़ने से ससुराल पक्ष के लोगों ने उसे अस्पताल में छोड़ दिया और वहां से उसे छोड़कर भाग गए। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं शिवपुरी से, जहां पर ससुराल पक्ष ने अस्पताल परिसर में महिला को छोड़कर और चले गए, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है और शव उठाने के लिए भेज दिया है। महिला का नाम रश्मिका बताया जा रहा है। बच्ची बिल्कुल मरी हुई स्ट्रेचर पर पड़ी हुई थी और पता नहीं क्या हुआ है, इन लोगों ने कैसा मारा है उसको, कुछ समझ में नहीं आया ना। गले पे भी निशान है उसके, सब कुछ निशान है और मेरे को पता नहीं मेरी बच्ची चली गई। मेरी बच्ची तो क्या मानते हैं आप, ये हत्या की गई है? जैसे अपने के साफ सब कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सबों के खिलाफ। इन्होंने मारा है, इन्होंने मारा है मेरे को, बिल्कुल सही 100% है कि इन्होंने मारा है बच्ची को। जो ससुराल वाले हैं वो कहाँ हैं अभी? वो सब भग गए साहब छोड़ के। क्या क्या नाम है उनका? अमन डावर नाम है, आजादी डावर नाम है और उसकी माँ का नाम भी वो पता नहीं है, वो आंगनबाड़ी में है, डावर है। और सतीश नरूला वगैरह ये सब उनके मामा वगैरह हैं। पति का नाम क्या? उनके पति का नाम क्या? अमन डावर। वो लोग भी नहीं, अच्छा, सब लोग भग गए यहाँ से। आपको तो चाचा ने धमकी दी थी ना? और चाचा ने धमकी दी है कि पहले मुझसे निमट लो, अमन से क्या निपटोगे। कहीं उसके चाचा इंदौर से दे रहे हैं मेरे को, बताइए आप। इन सबको सजा होनी चाहिए, सबको सजा, मेरे को इंसाफ मिलना चाहिए। नहीं मेरे को इंसाफ मिला तो मैं कल लाश रख के मचाऊंगा चेहरे के अंदर। सीधी बात, राशिका खंडेलवाल नाम की लड़की है, लगभग एक वर्ष की शादी हुई थी, उसने सुसाइड किया है। अभी पीएम चल रहा है, उसकी जाँच चल रही है। प्रथम दृष्टि क्या लग रहा है? प्रथम दृष्टिया ये दहेज हत्या का मामला। आरोपियों के बारे में स्टेटमेंट नहीं लिए हैं, जो ये बताएंगे उस हिसाब से। बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे शिवपुरी से, जहां पर एक नवविवाहिता के साथ प्रताड़ना की गई, उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया, जहां उसकी तबीयत खराब होने पर ससुराल वालों ने उसे अस्पताल छोड़ दिया, जहां पर उसकी मौत हो गई। और वहीं रशिका के परिवार वालों ने ससुराल पक्ष पर हत्या के आरोप लगाए हैं। इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अनुश्रीधर शिवपुरी से जुड़ गए हैं। अनुश्रीधर, एक महिला को हत्या के घाट उतार दिया गया है, ससुराल वालों पर आरोप लगाए गए हैं, परिजनों ने आरोप लगाए हैं, क्या है मामला? जी मैं आपको बता दूं, अभी रशिका खंडेलवाल नामक महिला ने, महिला को कल रात को उसके ससुराल पक्ष वाले लोग हॉस्पिटल लेके आए, जहां उसे संदिग्ध परिस्थितियों में छोड़कर चले गए। जब महिला के मायके पक्ष के लोग वहां आए तो उन्होंने ससुराल पक्ष के लोगों पे आरोप लगाया कई तरह के, और उन्होंने पुलिस के सामने भी न्याय की गुहार लगाई। जी जी, बताया जा रहा है कि दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था महिला को, तो कब से किया जा रहा था? आरोप ससुराल पक्ष वाले लोगों पर, मायके वाले लोग लगा रहे हैं और पुलिस से इस बात पर उचित कार्रवाई करने के लिए दबाव भी बना रहे हैं। जी तो ऐसा यूपी साहब से जब हमारी बात हुई, उनका ये कहना था कि हम निश्चित रहिए आप लोग और निष्पक्ष जांच की जाएगी। जी तो ऐसा क्या हुआ पीड़िता के साथ कि उसकी हालत इतनी गंभीर हो गई और उसे अस्पताल लाना पड़ा, और अस्पताल लाने के बाद भी जो ससुराल पक्ष के लोग हैं वह उसे नवविवाहिता को वहां छोड़कर इस हालत में चले गए? जी जानकारी ऐसी मिली है कि उसको मृतिका को फांसी के फंदे पर लटकाया गया था और उसके बाद मायके पक्ष के लोग ऐसा आरोप लगा रहे हैं ससुराली जनों पे कि उन्होंने ही उसकी हत्या की है और इस तरह की वो FIR कराना चाह रहे हैं। जी अनुधर, हमने देखा है, श्रीधर हमने देखा है कि सरकार ने कानून बनाए हैं कि जो दहेज प्रथा है उसको बंद किया जाए, इस तरह की जो दहेज लेने वाले हैं उन पर अब पंजीबंद किया जाए अपराध, लेकिन उसके बाद भी इस तरह की अपराध सामने आते हैं, इस तरह महिलाएं आए दिन हत्याएं करती हैं, उनसे दहेज मांगा जाता है, तो आखिर कब थमेगा ये पूरा सिलसिला?
जी इस विषय पे ये गंभीर विषय है और सरकार उस पर उचित कार्रवाई करना चाहिए, नए कड़े कानून लाना चाहिए। और जैसा कि मैं आपको बता दूं, ये जो प्रेम विवाह का के उपरांत दहेज का मामला दर्ज कराने का प्रयास किया जा रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि एक दोनों ही परिवार शहर के प्रतिष्ठित परिवार हैं और व्यापारी हैं बड़े, उसके बावजूद भी इस तरह की ये दहेज के मामले सामने आना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जी कब हुआ था इनका विवाह? ये लगभग एक वर्ष पूर्व प्रेम विवाह किया था। जी तो आरोपियों पर अभी पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई की है, क्या उनकी गिरफ्तार की गई है या उन पर कुछ कार्रवाई की गई है? अभी प्रशासन ने उनके मकान को सील कर दिया गया है और उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका श्रीधर हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपने देखा कि दहेज लोभियों का सिलसिला बंद होने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन महिलाओं को मौत के घाट उतारा जा रहा है, दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है और इसी दहेज चलते महिलाएं आत्महत्या कर रही हैं। हम आपको बता रहे थे शिवपुरी से, जहां एक नवविवाहिता को मौत के घाट उतार दिया गया है और वहीं महिला के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या के आरोप लगाए हैं। मृतक महिला का नाम रशिका बताया जा रहा है, जिसकी करीब एक वर्ष पूर्व शादी हुई थी और ये प्रेम विवाह हुआ था, जहां ससुराल पक्ष के द्वारा महिला को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था और उस पर अत्याचार किए जा रहे थे, जहां उसकी हालत गंभीर हो गई और हालत गंभीर होने पर ससुराल पक्ष के लोग उसे अस्पताल में छोड़कर वहां से चले गए, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।